हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू DKY एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9। फिजिक्स का टॉपिक है, तो सबसे पहले देखना है कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है वर्क क्या होता है, वर्क के बारे में जानना है। उसके बाद सेकेंड है एनर्जी के बारे में, एनर्जी कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी में आता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग कौन कौन सा एनर्जी देखेंगे, एनर्जी में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद का टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है पावर क्या होता है, पावर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग वन बाय वन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट में डाउट पूछिएगा, ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग वर्क से स्टार्ट करते हैं, वर्क क्या होता है, तो समझते हैं वर्क क्या होता है। अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी लेते हैं, तो इस पे अगर फोर्स लगे किसी बॉडी पे फोर्स लगे और इस बॉडी का कुछ दूर डिस्प्लेसमेंट हो, ये बॉडी फोर्स लगने के बाद कुछ दूर चला जाए, यहाँ पे आ गया, तो एस दूरी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स इधर लगा है और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क। और फोर्स, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, वर्क का यूनिट क्या हुआ, जूल हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक चीज और समझना है कि वन जूल वर्क क्या होता है, वन जूल वर्क समझेंगे। वर्क को वन जूल वर्क कब बोलेंगे, तो फॉर्मूला क्या, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अगर वन न्यूटन लगे, यहाँ फोर्स लग रहा है वन न्यूटन और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वन मीटर हो, ये कितना दूर डिस्प्लेस हो रहा है, वन मीटर। फोर्स लग रहा है वन न्यूटन
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर, तब हम बोलेंगे जो वर्क हुआ है वो 1 जूल के बराबर हुआ है। वर्क कितना हुआ है? 1 जूल के बराबर हुआ है। अब देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा? तो पॉजिटिव समझते हैं, पॉजिटिव वर्क, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स का डायरेक्शन में ही हो, राइट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड हो, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो वैसा वर्क को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। कैसा बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? जैसे ये अर्थ का सरफेस लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो इसका फोर्स लग रहा है नीचे mg, और मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। ये क्या है? ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब नेगेटिव वर्क कब है? डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जैसे ये है अर्थ, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रहा है और मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। तो ऐसा अपोजिट है, अपोजिट है दोनों का डायरेक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव वर्क। अब हम लोग देखते हैं जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो फोर्स जीरो हो। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, तो फोर्स लगा ही ना हो। या तो फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वर्क डन क्या हुआ है? जीरो वर्क डन हुआ है। सेकेंड केस देखते हैं, अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मान लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा? जो वर्क डन होगा, सीनियर आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क डन का एक और फॉर्मूला अच्छे से लिखा जाए, तो फोर्स fs cos थीटा, fs cos थीटा। और अगर cos थीटा, थीटा अगर 90 है, थीटा अगर 90 है, तो cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका एग्जांपल क्या है? अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाएं, फोर्स ऊपर लगाएं और आगे की ओर बढ़ें, तो फोर्स ऊपर लग रहा है
फोर्स ऊपर लग रहा है, उठाने में जो फोर्स लगा, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। इस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग जीरो वर्क डन समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, अगर किसी के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा। एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वर्क कर पाएगा। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी होता है। तो हम लोग कौन सा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों कौन कौन सा है? फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसमें है? मोशन में है। जैसे कोई व्हीकल कोई वेलोसिटी से जा रहा है, उसके पास क्या है? मोशन है, वेलोसिटी है यानी मोशन है उसके पास। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होता है, उसके पास जो एनर्जी होता है मोशन में होने के कारण, उसके पास जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है और उसका शेप साइज पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जैसे मान लेते हैं ये कुछ हाइट पे वाटर को स्टोर किया गया है। क्या किया गया है? वाटर को स्टोर किया गया है, और इस वाटर को अगर टरबाइन पे गिराया जाए, किस पे गिराया जाए? टरबाइन पे। यहाँ है टरबाइन, तो टरबाइन का ब्लेड घूमने लगेगा, तो जो ये पानी स्टोर है इसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये जब जो इससे पाइप से आने लगा तो जो मोशन में आ जाएगा पानी, तो उसके पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ हाइट होना चाहिए, रेस्ट पे हो या पोजीशन मेंटेन कर रहा हो, अपना शेप मेंटेन कर रहा हो, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ खड़ा है, मोशन में नहीं है, सिर्फ खड़ा है, तो हमको अभी कुछ एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी होगा खड़ा रहने के लिए, सोने के लिए, तो वो जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इसे चल रहे हैं तो चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? वेलोसिटी है। वी क्या है? वेलोसिटी है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। अगर ये बॉल है, इसको फोर्स दिया गया है एफ, कितना फोर्स दिया गया एफ, और ये बॉल एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और अब इसका वेलोसिटी हो गया है, पहले वेलोसिटी था यू और अब इसका वेलोसिटी हो गया वी, ठीक है। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? वर्क डन ही होता है, वर्क डन ही होता है। कौन सा वर्क डन? ये बॉल को रेस्ट में आने के लिए, रेस्ट में आने के पहले कितना वर्क किया गया, रेस्ट में आने के पहले
कितना वर्क किया गया उसको बोलेंगे कितना वर्क किया गया उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट में आने के पहले जो वर्क किया गया उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग निकालते हैं, तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है रेस्ट में आने के पहले। अब यहाँ निकालते हैं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, एम ए होता है। फोर्स क्या होता है, एम ए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, ये हो गया एस। इस एस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए, क्या होगा टू ए। ए से ए कैंसिल, क्या बच गया, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यू क्या हो जाएगा जीरो, तब क्या आ जाएगा वन बाई टू एम वी स्क्वायर। तो यही जो वर्क डन है रेस्ट में आने के पहले जो वर्क डन किया गया है वही काइनेटिक एनर्जी है। वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और एनर्जी है, क्या है एनर्जी, तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सरफेस है अर्थ का, इसको इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी, इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है यानी एम जी लग रहा है। और इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उठाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको उठाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पे, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर h डिस्टेंस है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स ग्रेविटी वाला फोर्स है, फोर्स को लिखेंगे mg। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा mgh, mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और ये जो वर्क डन करना पड़ा वही है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन ही है पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दोनों साइड अगर हम हाफ एम मल्टीप्लाई कर दें, कितना, हाफ एम, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इधर भी मल्टीप्लाई कर दें हाफ एम, ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसके आगे देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर।
अब ये हो जाएगा हाफ एम टू ए एस, इसको हाफ एम इससे मल्टीप्लाई किए, ये टू से ये टू कैंसिल, एम ए एस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और एम ए एस क्या होता है, एम ए एस, एम ए क्या है फोर्स है और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ इंटू एस क्या है वर्क डन है, यहाँ लिखेंगे वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आते हैं, वर्क डन, अब वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं वर्क डन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या था फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन के बराबर आया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल को लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर, और ये वर्क डन, यहाँ हाफ एम यहाँ भी है हाफ एम इधर भी है, कॉमन लेंगे हाफ एम, यहाँ बच जाएगा वी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा यू स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला है वर्क डन का। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू वर्क डन, चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग ये टॉपिक देखें, अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं पावर, पावर देखते हैं, पावर क्या होता है, पावर होता है पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम। इसका मतलब क्या है, टाइम कितने समय में कितना वर्क डन हुआ, कितने समय में कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसका डिफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितने समय में कितना वर्क हुआ, इसको बोलते हैं पावर। अब यहाँ पे पावर का यूनिट होता है वाट, क्या होता है वाट, और वर्क डन क्या है जूल होता है, और टाइम क्या है वन सेकेंड। तो अगर एक जूल वर्क हुआ, एक जूल वर्क हुआ एक सेकेंड में, एक जूल वर्क हुआ एक सेकेंड में, तो पावर होगा वन वाट के बराबर, पावर होगा वन वाट के बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ लिखा हुआ है 60 वाट, 60 वाट लिखा हुआ है, तो पावर क्या होता है वर्क डन बटा टाइम, वर्क डन बटा टाइम, और वर्क डन को, वर्क डन का भी यूनिट जूल होता है, तो वर्क डन के जगह लिख सकते हैं एनर्जी, क्या लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी बटा टाइम। अब 60 वाट का मतलब है, अगर 60 वाट एग्जांपल ले रहे हैं, इसका मतलब है 60 जूल एनर्जी एक सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है। अगर किसी बल्ब, मान लेते हैं ये बल्ब है, इसका रेटिंग दिया हुआ है 60 वाट, कितना दिया हुआ है 60 वाट, इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंजम्पशन करेगा, खपत करेगा, उसको एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं 60 वाट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट का कहने का मतलब है कि एनर्जी का होता है जूल,
एनर्जी का यूनिट होता है जूल। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में और हैवी मशीनरीज जहाँ यूज होता है वहाँ पे जूल बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, जूल बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ बड़ा यूनिट एनर्जी का लिया जाता है। कौन सा यूनिट? फैक्ट्री जहाँ बहुत ज़्यादा अप्लायंसेज यूज है वहाँ पे कुछ बड़ा यूनिट लिया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो वो यूनिट एनर्जी का क्या है? एनर्जी का बिगर यूनिट उसको बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है। अब यहाँ पे जो किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर, इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। अब यहाँ पे एक छोटा सा जूल और किलोवाट आवर में रिलेशन है, क्या है रिलेशन, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ लिखें 1 किलोवाट आवर, 1 है किलो, किलो मीन्स 1000, 1000 वाट, और आवर को किस में सेकंड चेंज करेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में कितना होता है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड कैसे आया? 60 मिनट 60 सेकंड, ये आया 3600 सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 36 10 20 और 3, 1 2 3 वाट सेकंड। क्या है ये? वाट सेकंड। अब यह देखते हैं वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल 1 सेकंड। वाट क्या होता है? एनर्जी या वर्क डन बटा टाइम। तो वाट के जगह पे क्या लिखेंगे? जूल पर सेकंड। और ये सेकंड ये वाला है, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये कितना आ गया? 36 × 1 2 3 4 5, इतना जूल। इसको और अच्छे से लिखें तो 3.6 × 10⁶ जूल। ये रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है? 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। और 1 किलोवाट क्या होता है? 1 यूनिट होता है। या तो लिखें 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ये जो रिलेशन है इससे एनसीईआरटी में बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। किलोवाट आवर में दिया रहेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ये समझते हैं इसको हम लोग डिटेल में। जैसे एक कोई हाइट पे वाटर रखा गया, डैम बनाया गया और यहाँ से पानी को निकाला गया है, और ये कहाँ आया? टरबाइन के पास आया। कहाँ आया? टरबाइन के पास। अब टरबाइन से क्या कनेक्टेड है? जनरेटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है। तो क्या होगा? अगर पानी हाइट पे है तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और जब मोशन में आ जाएगा इसके पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे
टरबाइन जब रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करेगा, स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ा देगा और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसका डायग्राम है, हाइड्रो पावर प्लांट का है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसमें क्या हुआ, जितना पोटेंशियल एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी ना तो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आज हम लोग इस टॉपिक को, वर्क इन एनर्जी को पूरा देख चुके हैं। न्यूमेरिकल का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।